हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और 7:30 बजे मैं उठा, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करी, अभी अपलोड हो रही है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी वीडियो। तो नियो भी मेरे साथ उठ चुकी है और बाहर धूप में खेल रही है। मुझे अभी उठाऊंगा उसे भी। अरे मैं रोटी बनाने गया, अभी मैं कुछ काम कर रहा ना, थोड़ी देर में। नियो बहुत प्यारी लग रही है, जब उसके बाल देखो, हेयर स्टाइल देखो, नहीं होगी क्या मस्त लग रही है। तो बस अभी नाश्ता करूँगा, उसके बाद कॉलेज जाने की तैयारी होगी और फिर जितना टाइम मिलेगा आपसे बात करूँगा मैं। आज कोई ख़ास प्लान तो है नहीं, तो फिर भी देखता हूँ कुछ, अगर शाम को कुछ काम हुआ तो। तो दोस्तों नहा लिया है मैंने और तैयार हो चुका हूँ, टी शर्ट जीन्स पहन ली है, आज कॉलर वाली टी शर्ट पहनी है। तो बस नाश्ता लगा दिया वाइफ ने, इसके बाद कॉलेज जाता हूँ। आज मेरे बहुत ही फेवरेट साले का बर्थडे है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और साथ ही साथ वो मेरे साथ काम भी करता है यूट्यूब में और रहता है रामनगर में, मालधन एक गाँव है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत गांव है, वहाँ पे रहता है। और अभी उसने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है और साथ मेरे साथ काम भी करता है, तो देखते हैं वो कैसे सेलिब्रेट करता है। आज उसको उसकी कोई क्लिप आपको ज़रूर दिखाऊँगा मैं। तो चलिए, आप तो कॉलेज चलना, तो कॉलेज जाना है, तो नाश्ता कर लेते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैं कॉलेज से आया, आज थोड़ी लेट हो गई थी, कुछ काम था, तो 6 बजे मैं कॉलेज से पहुंचा और अभी घर आया हूं। और न्यू की मौसी आई है एक सुरभि, तो अभी मैंने जलेबी लाई बाज़ार से और जलेबी बहुत टेस्टी होती है। यहाँ पे एक कृष्णा हलवाई है और उसकी जलेबी बहुत ही टेस्टी होती है, तो वो खाई हमने अभी। मैं तो खुद को रोक नहीं सका भाई, बहुत टेस्टी हो रही थी। समोसे के लिए गया था मैं, लेकिन समोसे मिल नहीं पाए, तो अभी हम लोग बस खाना बना रहे हैं और उसके बाद सुरभि खाना खाएंगे, उसको घर छोड़ के आएंगे। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों आज हमारे घर में मेरी साली आई हुई है, नियो की मौसी, इसका नाम है सुरभि। तो सुरभि आपसे हाय बोलना चाह रही है। और सुरभि अभी जॉब कर रही है JBIT में, देहरादून में, और काफ़ी अच्छी लड़की है। तो सुरभि कुछ बोलना चाह रही है? न्यू खाना खाएगी? देखो न्यू आजकल नहीं बोलना सीख गई है। बोलो तो मौसी से कह दो आज यही रुक जाओ। चलो मौसी यही रुकेगी ना, है क्यों? अब नेक्स्ट टाइम आऊंगी रुकने। तो दोस्तों आज के रिव्यू में मैं दिखा रहा हूँ आपको हमारा टोस्टर, जो है फिलिप्स का, और बहुत ही प्यारा टोस्टर है ये। इसको हमारे पास 2 साल हो चुके हैं, और यहाँ से ऐसे करते हैं, इसके अंदर ब्रेड डालते हैं पहली और दूसरी जगह, और उसके बाद इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पर से इसके ऑन कर देते हैं बस। उसके बाद आपका जो ब्रेड होता है वो बाहर आ जाता है, और ये बहुत ही अच्छा है। कम 2 साल हो चुके हैं और इसकी जो कीमत थी वो थी 1600 रुपये। हालांकि आपको इससे सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन फिलिप्स का ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिया है। और डिज़ाइन के तौर पे भी ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये आप ले सकते हो। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमें। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। न्यू भी बाय करिए, तो न्यू भी आपको बाय करिए। न्यू की मौसी आई थी आज, न्यू को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। तो न्यू जरा हंस दे। तो न्यू की मम्मी भी आपको बाय कह रही है। बाय, गुड नाइट दोस्तों, अब सोते हैं, बाय बाय।